तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। माय सुपर पावर्ड गर्लफ्रेंड्स के एपिसोड नंबर 3 के साथ आ चुका हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए एपिसोड नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में मैं दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ियाउमिन अपने घर पर वापस आ चुका है और तभी सुबह का सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का, जहाँ पर उसका जो लैंडलॉर्ड है वो वहाँ पर किराया लेने के लिए उससे आ चुका है और बताता है कि इस बार का जो किराया है वो इस मंथ से बढ़ चुका है तुम्हारा, और जो 500 पर मंथ लगा करते थे मतलब 500 पर मंथ बढ़ चुके हैं पहले के मुकाबले में, और तो और एडवांस में 3 मंथ का जो पेमेंट है वो सारा का सारा ले रहे हैं इस हफ्ते के अंदर अंदर। और इस अचानक से चेंजेस होने के कारण जो ज़ियाउमिन की जो लाइफ है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है और पूरा पूरा प्लान की ऐसी तैसी हो गई है। अब नया प्लान इसे फिर से बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से कितना काम करे और कितने पैसे कमाए ताकि वो अपनी लाइफ को इजीली जी सके बिना किसी परेशानी के। और तभी हमें दिखाया जाता है ज़ियाउमिन के अपना हिसाब करने बैठ जाता है वहीं पर कंप्यूटर पर कि कितना खर्चा आने वाला है और इसे कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। और तो और बोलता है कि मुझे पे करने के लिए अभी भी एक तीन पूरे हफ्ता होने में 3 दिन बचे हुए हैं और तब मैं उसके बाद पे कर सकता हूँ। और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे 3 दिन के अंदर अंदर 360 ऑर्डर पूरे करने पड़ेंगे, और इसका मतलब ये हुआ तुम्हें 1 मिनट के अंदर भाई कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, ये तो भाई कतई बवाल हो गया और मैं ऐसे कैसे जी सकता हूँ, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और गुस्सा करने लगता है आखिरकार ये सब चल क्या रहा है मेरे साथ, इससे बढ़िया तो मैं किसी दूसरी जगह पर ना रह लूँ इतना ज़्यादा रेंट करना पड़ेगा तो। और तभी वो लैंडलॉर्ड की बात याद करने लगता है जहाँ पर उसका जो घर का मालिक होता है वो बोलने लगता है कि तुमने यहाँ के 2 रूम को अपने हिसाब से मतलब 2 रूम को लिया हुआ है, टोटल 3 रूम लिए हैं उसमें सिर्फ 1 इस्तेमाल करते हो, 2 खाली पड़े हुए हैं, और अगर तुम तीनों को ऐसे ही रखोगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहने वाला। और तो और तुम एक सिंगल हो, सिंगल कुत्ते हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं उसने बोला है सिंगल कुत्ता। और तो और एक सिंगल बहन को कभी भी 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और तभी हमें पता चलता है कि वो किराए मतलब उस 2 जो रूम थे उसके उन्हें किराए पर देने के लिए वेबसाइट पर देने लगता है और उसमें ईमेल आने लगते हैं। और तभी ये देखते हुए ज़ियाउमिन मन में सोचते हैं बोल रहा था यहाँ पर अभी भी लोग हैं जो सच में पोस्ट को देखते हैं, क्या तुम मुझे सच में मैसेज कर भेजना चाहते हो। और तभी वो उस मैसेज के बारे में सोच लगता है क्या हो सकता है, और क्या पता वो मर गया, मतलब फिरते कैलकुलेशन करने लगता है और बोलता है नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और वहीं बैठ कर रोने लगता है और अपने सर पर टक्कर चिल्लाने लगता है और बोल लगता है मन में ही कि मैं अपनी जो पॉपुलेशन है वो इस तरीके से बढ़ा नहीं सकता, आई मीन पॉपुलैरिटी। और बोलता है मैं अपने आप को इतना ज़्यादा मशहूर नहीं कर सकता, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं टॉप नंबर 1 पे फिर से आ गया तो एक्सीडेंट से भी। तभी अचानक से उसके कंप्यूटर पर एक मैसेज आता है क्योंकि उसने कुछ मैसेज भेजा था उसका क्विक रिप्लाई, और तभी उसमें लिखा होता है जो भी ओनर है उस अपार्टमेंट का वो यहाँ पर वो उसने इन्फॉर्मेशन छोड़ दी है, तो जो भी रहने के लिए आने वाला है वो यहाँ पर आ जाएगा दोपहर के बाद। और तभी जो ज़ियाउमिन है ऊपर में सोचते बोल लगता है उस मैसेज को देखने के बाद ये कितना ज़्यादा बेवकूफ है, अरे यार शेट इस बुड्ढे ने तो सच में ऐसे दे दिया है किराए पर 2 रूम चढ़ाने के लिए, इसने तो बहुत ज़्यादा कर दिया और लोग तो इस कमरे को वास्तव में लेने के लिए इंटरेस्टेड भी है। भाई साहब जो मेरा डेथ बर्थ है वो सच में एक्टिवेट हो गया क्या फिर से, मतलब मेरा समय आ गया है निपटने का, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 25 साल का तो होने वाला हूँ, 24 का तो हो ही गया लगता है, मेरा फिर से समय आ चुका है। और तभी जो उस मैसेज में स्पेसिफिक एड्रेस दिया रहता है और यहाँ पर एक मैसेज भी आ जाता है कौन उसको किराए पर लेने वाला है, ये एक सरप्राइज की बात है कौन किराए पर आने वाला है आगे चलकर आपको पता चल ही जाएगा। तभी ज़ियाउमिन में सोचने बोले लगता है कि इस तरह की पोस्ट मतलब बेकार पोस्ट को तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, मुझे लगता है इसका इंश्योरेंस मुझे कम करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा इंश्योरेंस के लिए ये पोस्ट को। और तभी अचानक से डिलीट कर देता है उस पोस्ट को और बोलता है ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है मेरे लिए कि मैं इस जो रूम है इसमें रह रहा हूँ जो इसके 2-3 अपार्टमेंट इस पूरे अपार्टमेंट में अपने इस रूम को शेयर कर ना कर सकूँ किसी पर्सन के साथ, ऐसा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए मेरे लिए। और तभी बोलता है अपनी अंगड़ाई या लेता है सारा काम अप करके बोलता है अब 10 बज चुके हैं तो अब समय आ चुका है कि मैं काम के लिए निकल लूँ। तभी नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है जहाँ पर सुपर हीरोज अपने लगे हुए होते दिवाली बाद बिल्डिंग तोड़ने में फाइट करने में आपस में मतलब वो भी है विलन विलन वगैरह से फाइट कर रहे होते हैं और ज़ियाउमिन को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो अपनी लाइफ अच्छे से जाता है, अपनी स्कूटी लेते हुए निकल रहा है फाइट के बीच में। और भाई हीरोज तो लगे हुए हैं अपनी ही जिंदगी में और ज़ियाउमिन लगा हुआ है अपनी ही जिंदगी में, इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है आसपास। और मनी मन में अपने बारे में बताता है ये कमीना ब्लफ, जितना ज़्यादा जिंदा रहूँगा उतना ज़्यादा जल्दी और उतना ज़्यादा खतरनाक ये होता जाएगा दिन ब दिन। और तो अब मैं भूल गया कि मेरे किस लाइफ में ओरिजिनली मैं एक बुक आर्टिस्ट था जिसे मुझे ऑस्कर मिला था 1 का, और मेरे एक फ्रेंड बीमार पड़ गया था और मैंने उसकी मदद की थी कॉमिक ड्रॉ करने में, और जैसे ही वो वॉल्यूम पॉपअप आया बिल्कुल पहले ही दिन में
और उसकी जो हैंड प्रिंटेड स्क्रीन थी वो लीक हो गई, और उसके बाद तो मैं टपक गया। और तभी वो घर पर वापस आ चुका है अपना काम वाम करके, रात का समय हो चुका है, और यहाँ पर वो बोलता है कि बढ़िया है मैंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया, वरना मुझे नहीं पता कि कौन सी मुसीबत मेरे पले गले पड़ जाए और मैं निबट जाऊँ जल्दी से। अपना हेलमेट उतारता है और मनी मन में सोचते हैं, खुश होता है कि जब तक मैं जो मेरी डिलीवरी का जो नंबर है उसे कंट्रोल करके रखूं तब तक मुझे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, मैं खाने के लिए पैसे इकट्ठे कर सकता हूं, कमा सकता हूं। तो जल्दी से अपना काम वाम खत्म करो और जल्दी से घर पहुंच जाओ बिना किसी परेशानी के। और तभी घर घर पर जाने लगता है जहाँ पर 6:30 बज चुके हैं, और बोलता है कि आधा घंटे बाद जो मेरा रेंट है, मतलब रेंटर है, को रेंटर है, जो कि रहने आने वाला है मेरे साथ में मेरे अपार्टमेंट में, वो आ जाएगा। और तभी वो जैसे ही बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है और मन में सोचते जा रहा होता है कि मैंने अपने दोनों रूम्स को किराए पर चढ़ा दिया है और उसके बदले मुझे 300 पर मंथ मिला करेंगे फ्री के, तो मुझे जो अदर रूम खाली पड़ा हुआ है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा किस तरीके से उसको किराए पर चढ़ाया जाए। और खुशी खुश में खुश होने लगता है, अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और बोलता है ये तो वाकई में ब्लेसिंग है डिस्गस में। तभी अचानक से उसे कोई सामने दिखाई देता है जिसको देखकर वो सरप्राइज होता है, और भाई हमें पता चलता है यहाँ पर एक लड़की सामने उसके खड़ी हुई होती है। भाई दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है भाई, वाइट वाइट कर दिया है, बढ़िया है, ज्यादा नहीं दिखाया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। क्या पता यूट्यूब पर स्ट्राइक मतलब चैनल पर गड़बड़ हो जाती, पर मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। अभी अचानक से हमें दिखाया जाता है, देख कर पहुंचा था, सरप्राइज भी होता है। और तभी भाई हमें पता चलता है ये तो लिन म्याव है। और तभी यनवा कहती है उससे, अरे तुम तो वही बंदे हो ना जिसने मुझे बचाया था उस समय पर, याद है? और भाई कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा, आगे से पीछे से सब कुछ दिख गया, सॉरी गाइस मजा कर रहा था, सीरियस मत ले लेना। तभी लेने में उससे कहने लगती है, हे हे इसका कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा घर है, सही कहा ना मैंने? तभी लेने में उससे कहने लगता है अच्छा वो तुम थी जिसने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था सुबह की मॉर्निंग की, जो मैंने पोस्ट डाली थी उस पर। और तभी जावेद उससे कहने लगता है, मैं अपने इस रूम को आप किराए पर नहीं देना चाहता, तो तुम वापस जा सकती हो। लेकिन जो लेने में है वो नहीं मानती और अंदर घुस जाती है और बताती है जो मेरा डिटेक्टर है वो उस समय पर बिना किसी कारण के फट चुका था। तभी जो ज़ियाओ मेरे उससे कहने लगता है, इससे मेरा क्या लेने देना। तभी वो जो लिन म्याओ उससे कहने लगती है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे मुझे एसोसिएशन के द्वारा असाइन किया गया है, अगर ये मेरे द्वारा टूट जाए मेरे से तो मुझे एसोसिएशन को इसको पैसे चुकाने पड़ते हैं। और जैसा कि तुम जानती ही हो कि उस समय पर मैं कर्जे में थी और मुझे लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे कर्जा लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, तो मेरे पास ज़्यादा पैसे बचे नहीं है। भाई देखा तो सही कि माँ तुमसे चेहरा बना रही है, अभी पता चलेगा इसलिए रख दो इसके। और बोलती है जो मेरा घर था मैं उस पर वापस नहीं जा सकती, और तो और मेरी सेविंग्स थी मतलब जितने भी पैसे वैसे थे सब खत्म हो चुके हैं। तभी जावेद उससे कह लगता है, अगर तुम्हारे पास कर्जा है या तुमने किसी से उधारी ले रखी है तो तुम्हें पैसे चुकाने चाहिए। और तभी जो लिन में आया वो सुनती नहीं है, जैसे दरवाजा खुलता है उसके अंदर आ जाती है और उससे बोलती है, तुम्हारा मतलब तो नहीं, ये मतलब तो नहीं है कि मैं जाकर गलियों में रहूं, सड़क पर रहूं। और तभी जावेद गुस्से में उससे बोले लगता है, मैंने तुम्हें अभी तक परमिशन नहीं दी अंदर आने की। और तभी जब उससे बोल लगता है, अपना सामान उठाओ और मेरे घर से बाहर निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। तभी जो लिन में है उससे कहने लगते, क्या तुम पुलिस को बुला लोगे? कुछ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाली, जो हमारे काम के बीच में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाती पुलिस, जिसके पास एबिलिटीज होती है। और फिर डरावना चेहरा बनाती है से और बोलती है, और कि तुम जानबूझ के कुछ ऐसी वेव्स भेज रहे हो मुझे यहाँ से भेज रहे हो ताकि मैं तुम्हारा जो माइंड है वो ना रीड कर सकूं, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी जो पावर है वो मुझसे ज़्यादा बड़ी है, मुझसे ज़्यादा लेवल पर है। तो मैं क्या लगता है जो एसोसिएशन है वो तुम जैसे बंदे को जाने देगी जिसकी जो एबिलिटी है वो लेवल 6 से ज़्यादा है, सही कहा ना मैंने? अब भाई दिखा तो ऐसे रही है, उल्टी आ रही है देखकर तो मुझे। और तभी उसके भाई लाट टपकाने लगती है उसको देखकर और बोलती है, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो लेकिन तुम्हारी जो लाइफ है बहुत बुरी तरीके से कट रही है और तुम इतने ज़्यादा बुरे अपार्टमेंट में रह रहे हो, इसका तो सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि तुम्हारा कोई बिग सीक्रेट है जिसे तुम छुपाना चाहते हो। तभी जावेद गुस्से में सिर्फ देखता है डरावना चेहरा बनाते हुए और बोलता, अगर मैंने तुम्हें यहाँ मार दिया तो कोई भी मेरा सीक्रेट नहीं जानने वाला। और तभी जो लिन म्याओ होती है वो कमरे के अंदर घुस जाती है और बोलती है, मैं इस रूम को लेने वाली हूँ रहने के लिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद आया और यहाँ पर इस रूम के अंदर सुबह सुबह की जो सलाद है वो भी आती है। और तभी जो लिन म्याओ उससे कहने लगती है, जरा इसको तो देखो, इसकी तो दिवाली विवाली भी टूटी हुई है, ना वॉल पेपर है ना कुछ भी है, और तो और मुझे यहाँ पर फर्नीचर है वो भी बाय करना पड़ेगा, और तो और इस रूम को पिंक कलर में मुझे पेंट करना पड़ेगा। और भाई इस सीन को दिखा दिया ना, सब देखकर बेहोश हो गए, भाई देखने लायक है ना। तभी जाकर उससे कहता है, क्या तुमने सुना जो मैं कहना चाहता था तुमसे अभी? और तभी जो लेने में आओ अपने कपड़े उतारना वहीं पर स्टार्ट कर देती है और उससे बोलती है, तुम मुझे मार तो सकते नहीं हो। तभी जाकर उससे कहने लगता है, हे 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 तुम क्या कर रही हो, तुम किसी और के घर में अपने कपड़े इस तरीके से क्यों से कैसे उतार सकती हो भाई, कोई शरम बरम नाम की चीज़ है कि नहीं है? और तभी जो लिन म्याओ होती है वो उससे कहने लगती है, अब से ये मेरा घर है, मेरा भी तो घर है, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं कि कंफर्टेबल क्लोथ में यहाँ पर कपड़े पहन सकती हूँ
और भाई जैसे कि देख सकते हो बहुत कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन गाइस आप लोग गलत सोच रहे हैं। उसने अंदर कपड़े पहने हुए, जब उस राइटर ने बस वाइट कर रखा और कुछ नहीं। तभी जब उससे कह लगता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे इस बात का डर है कि यहाँ पर किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम इस बात का याद रखना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेने वाला। तभी निर्मा उससे कहने लगती है, मैं एसोसिएशन की हेड हूँ, तो आज तक मैंने ऐसी कोई सिचुएशन देखी नहीं है। ये सुनने के बाद जावेद भी सरप्राइज होता है और बोलता है, ओ तेरी, तुम तो सेक्शन की हेड हो सच में। तभी जो निर्मा होती है वो पोज मारती है, भाई ये पोज देखने के बाद तो नाक में से खून तो सबके निकल रही होगा। और वो बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं वेरिटेबल सेक्शन की लीडर हूँ। तभी जो जावेद है वो उससे कहने लगता है, अच्छा तो तुम सेक्शन हेड हो जो कि गरीबों के पड़ोस में रहती हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें पसंद आता होगा ऐसे। और तभी जो लिन में हाँ वो जावेद के करीब आती है और उसे बोल लगती है, अगर तुम इस रूम को रेंट नहीं करना चाहते मुझे, मतलब इस रूम को तुम रेंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते मुझे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं। और अपने पैसे निकाल कर उसे दिखाने लगती है और प्लीज़ 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 करके बोल लगती है उससे। तो मैं नीचे तक दिखाता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, जैसा कि देख सकते हो उसे रिक्वेस्ट करने के लिए, जिसको देखकर जावेद पैसे को देखकर चैन से रह नहीं पाता और पैसे को भाई देखकर उसकी जीभ टपकने लगती है, लाल टपकने लगती है आई मीन। और जावेद उसके पैसे ले लेता है और बोलता है, लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ने दे वाली जब तक मैं तुम्हें ये कमरा रेंट पर नहीं दे देता, सही कहा ना मैंने। और जो लिन में आओ है वहाँ पर खुश हो जाती है, और तभी वो जो लिन में आओ वहीं पर लेट जाती है बिना किसी हिचकिचाहट के। तभी हमें दिखाया जाता है जावेद पीछे मुड़कर देखता है, उसका नज़ारा ही कुछ और होता है। और भाई ये नज़ारा जब देखता है ना तो कत्ता ही लग जाती है आग। तभी निर्मा उससे कहने लगती है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो सिर्फ टैलेंट लोग ही कर सकते हैं। और इसी के साथ भाई इसी बकवास के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मैं और ज़्यादा नहीं करने वाला इसको, और डिटेल में नहीं बताने वाला, इतना कर सकता था कर लिया, और करूँगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि मुझे लगता भी यूट्यूब अलाउ भी करेगा, चलो देख लेंगे इधर उधर कर लेंगे एडजस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय। मुझे पता मैंने जो आपसे कही है स्टार्टिंग के बाद वो कर देना यार, लाइक सब्सक्राइब और क्या चाहिए यार, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।